हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट ए रोड। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके जूडिक साइंस की रीडिंग। ठीक है, तो मैं भी बोर हो गई और आप लोग भी बोर हो गए होंगे वाली रीडिंग से। अब हम देखते हैं आप लोग के जूडिक साइंस की रीडिंग। अब ये मुझे नहीं पता आप लोग कितना पसंद करेंगे या नहीं। ठीक है, तो हम करेंगे यू वर्सेस डेम। सिक्स साइंस की अभी करूँगी रीडिंग और सिक्स साइंस की नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ठीक है, चले एरीज से स्टार्ट करेंगे हम। ये होगा आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की उनका डेक, और ये होगा आपका। इधर से हम आपकी एनर्जी देखेंगे। ठीक है, हाँ चलें, क्विक रीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। क्विकली एनर्जी चेक करेंगे, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे और नेक्स्ट मूव वो क्या चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, क्विकली चेक करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं इस रीडिंग को। ठीक है, चले वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। अगर आपके सामने आ जाए तो आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। और टाइम स्टैम्प पे आप लोग एरीस मैं कर रही हूँ, तो जो भी ये एरीस वाला हो तो वो अपना टाइम स्टैम्प नीचे लिख दे, मैं किसी के कॉमेंट्स को पिन कर दूंगी। ठीक है, आप लोग पूरे टाइम स्टैम्प डालें, फिर उसके कमेंट्स को मैं जो है ना पिन कर दूंगी। एरीज से लेकर अब सिक्स साइंस इस वाली वीडियो में होंगे और सिक्स साइंस नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है, चलें एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। किंग ऑफ वैंस, ओके, एंड नाइट ऑफ वैंस। ये पर्सन आपके लिए पास में एक ब्लॉकिंग सिचुएशन रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर सेकंड ये इन एंड आउट करके रखा है। ठीक है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन इसकी नॉर्मल नहीं रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा रहा है कि आना जाना इस पर्सन का आपकी लाइफ में लगा रहा है। आप लोगों की एक स्मूथ कन्वर्सेशन में नहीं देख पा रही हूँ, एक ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्लॉकेजेस हैं, ये पर्सन ब्लॉक अनब्लॉक का सीन होता रहा है। ये पर्सन फिलहाल इस वक्त अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ आना चाहता है, और एक अट्रैक्शन में इस पर्सन को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन हो रही है। ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, लेकिन अपनी जगह पे बैठा है, कोई भी स्टेप नहीं ले रहा, कोई भी मतलब के आपको मैसेज टेक्स्ट नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉकिंग कर रहा है, लेकिन अट्रैक्टिव एनर्जी है, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है। लेट्स सी, और देखते हैं, क्लैरिफाई किंग ऑफ फेंस। किंग ऑफ फेंस क्यों आया है यहाँ पर, क्लैरिफाई किंग ऑफ फेंस। सन पास में कंफ्यूज सही पर्सन, लेकिन अब मुझे क्लियर नजर आ रहा है आपके लिए पर्सन। ठीक है, आपकी लाइफ में इस पार्टनर के अलावा और भी पार्टनर हो सकते हैं, एक पास और एक न्यू। ठीक है, इसकी लाइफ में भी आपके अलावा कोई और पर्सन, मतलब कि वाइस वर्सा हो सकता है, इस पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और पार्टनर हो सकता है, आप जैसे इस पर्सन का पास्ट हो और कोई न्यू भी हो जो इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा हो। जो मुझे यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है, आप पास्ट हो सकते हैं, कोई और पास्ट हो सकता है जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ये पर्सन फिलहाल अभी किसी भी तरीके के ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होगा जिसमें एक जैसे इन एंड आउट हो, या तो बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जी हो। ये पर्सन अपने लेसन्स लर्न कर चुका है, एक मेच्योरिटी को ये अप्रोच करना चाहता है। फिलहाल इसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, अगर आपकी तरफ भी अट्रैक्शन इसको हो रही है तो ये जंप आउट नहीं कर रहा, आपकी तरफ नहीं जल्द से जल्द भाग कर आ रहा, क्योंकि जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चले जाता है। ये सोच समझ कर क्लियर होकर आना चाहता है कि पास्ट वाले पर्सन को चूज करे आपको करे, लेकिन अगर पास्ट है तो इसकी इसकी मिसिंग एनर्जी आपके लिए है। ठीक है, अगर आप पास्ट पर्सन हैं, काफ़ी टाइम से आपके कोई इसके साथ साइकिल्स रही हैं, आपका इसके टाइम से एक लंबे तवील अरसे से कोई रिश्ता रहा है, तो ये पर्सन आप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, आप क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या हैं, एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। हमने
एरीज के पर्सन की देखी थी, अब देखेंगे हम आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, एरीज की फीलिंग्स पार्टनर के लिए। आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टेबल ऑफर, ठीक है, आप चाह रहे हैं ये पर्सन आपको कुछ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस पर्सन से रिकनसाइलेशन और एक स्टेबल ऑफर। आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में नजर आए थे, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट एनर्जी में थे। आप अपने पर्सन से चाह रहे हैं कोई स्टेबल ऑफर, मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिकनसाइलेशन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आप। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकता है ये पर्सन, लेकिन साइंस को मत ध्यान दिएगा अगर ये लाइन आपसे एनर्जी आपसे रेजोनेट करे तो, ठीक है, एनर्जी आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। हैंगमैन, आप इस तरह के इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए, डिटैच हुए हुए, एक्शन नहीं ले रहे किसी क्लैरिटी का, आप इसकी तरफ से किसी मूव का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल आप यहाँ इस पर्सन से किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, किसी तरीके के मूव का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप हार्ट ब्रोकन है पास में, इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है बहुत ज़्यादा, एक कंटिन्यूसली आप ओवर थिंकिंग, एक ओवर एनालाइज कर रहे हैं, कोई कहीं ना कहीं आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ हार्ट ब्रोकन है आप, कोल्ड डिटैच हो चुके हैं आप, इमोशंस इस पर्सन को अपने नहीं दिखा रहे, आप सेल्फ फोकस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक इसी पर्सन पे हैं, वेट आप इसी का कर रहे हैं कि आपको कॉल करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे, कुछ एक्सप्लेनेशंस दे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं, एरीज के पार्टनर एरीज से क्या चाह रहे हैं भाई, किंग ऑफ फैंस, आप एक्शन लें, दोबारा आ गए, इनके फीलिंग्स में भी किंग ऑफ फैंस था और इसमें भी था, कोई साइकिल एंड हो रही है आप लोगों की, ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी में है, कुछ यहाँ पर एंड हो रहा है आप दोनों के बीच, कुछ एंड हो चुका है, ठीक है, पास बहुत ज़्यादा कार्मा रहा है, कार्मिक पास रहा है, कुछ कार्मिक साइकिल्स आप लोग की राउंड एंड राउंड चलती रही है, ठीक है, कुछ किसी चीज़ का वेट हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, कुछ आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कुछ नेक्स्ट करने के लिए, लेकिन आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन की तरफ मूव करें, एक्शन लें, और ये पर्सन चाह रहा है कि मैं नहीं हिलूंगा अपनी जगह से, ठीक है, और क्लैरिफाई कर लेते हैं, किंग ऑफ फैंस, ये पर्सन अट्रैक्टिव है, ये चाह रहा है कि आप इसकी तरफ कोई ना कोई मूव करें, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल एक्शन चाह रहे हैं, नाइट ऑफ फैंस, आप रश करें इस कनेक्शन में, आप अप्रोच करें, मैसेज करें, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक सॉलिड कमिटमेंट और ऑफर के साथ, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बिल्कुल ये आपकी तरफ आने में कोई थोड़ा सा स्कैरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फियर है इसके दिल में, आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर है पेज ऑफ फैंस रिवर्स, ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, आपका वेट करना ज़्यादा अच्छा समझ रहा है, ना कि आपकी तरफ मूव करना। अब देखते हैं आप क्या चाह रहे हैं अपने पार्टनर से। आप क्या चाह रहे हैं अपने पर्सन से। बैलेंस, एरी साहब अपने पार्टनर से बैलेंस चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये पर्सन एक साइलेंट ट्रीटमेंट से बाहर आए और आपको अप्रोच करे, ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, कहीं ना कहीं से आप ब्लॉक हुए हैं इस पर्सन की तरफ से, ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करे। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर इस पर्सन का बैलेंस ना करने की वजह से आप लोग की हीलिंग बहुत ज़्यादा वो हुई हुई है, आप यहाँ पर खुद को हील कर रहे हैं, आपने खुद को यहाँ पर प्योरिटी बना लिया है और आप पास्ट को एंड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये पर्सन पास्ट को एंड करे, पास्ट की कार्मिक साइकिल्स को एंड करे और यहाँ पर एक रिलेशनशिप को बैलेंस करे, आपके साथ एक बैलेंसिंग रिलेशनशिप में आए, ठीक है, इस रिश्ते में बैलेंस लाए और यहाँ पर जो एंडिंग हो गई है पेनफुल, या आप लोग के बीच जो एंडिंग हुई है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े आप लोग, वो चीज़ एंड हो जाए आप लोगों के बीच, ठीक है। अब देखते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या हो सकता है, आपके कनेक्शन का आउटकम, स्टॉकिंग चलेगी, सर्चिंग चलेगी और फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, ठीक है, आउटकम कुछ भी नहीं है, आप दोनों स्टॉक सर्च करने वाले हैं और एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग रहेगी आप लोगों की, ठीक है, यहाँ पे है आप दोनों स्टॉक सर्च करने वाले हैं, एक दूसरे का वेट करने वाले हैं, ठीक है,
ये रिलेशनशिप किसी टावर मोमेंट से गुजर रहा है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। आप तो खास तौर पे अपने सेल्फ फोकस हैं, आपके लिए यहाँ पर कुछ एक्शन मुझे आपके पर्सन लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। आप किसी चीज़ की क्लैरिटी मांग रहे हैं इस पर्सन से, बिल्कुल ये पर्सन बर्डन सम है आपकी तरफ क्लैरिटी देने के बजाय एक बर्डन लिया हुआ, क्योंकि बैक एंड फोर्थ एनर्जी, इसको नहीं पता इसको आपकी तरफ मूव कैसे करना है। मिसिंग एनर्जी है दोनों की तरफ, आप दोनों मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, आप यहाँ पर सिंगल हैं, ये पर्सन मिस कर रहा है, और आप अपने इंडिपेंडेंट, आप खुद को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक जैसे एक अलोन है, लेकिन आप यहाँ पर सिंगल हैं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान भी नहीं लग रहे, लेकिन आप जैसे अपने स्टैंड को नहीं छोड़ेंगे, आपने ये चीज़ सोच ली है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि पर्सन नहीं आ रहा, जो भी टावर मूवमेंट हुई है एक क्लोजर नहीं हुआ है वहाँ पर, वो क्लोजर नहीं मिल रहा, तो आप उस चीज़ का वेट जरूर कर रहे हैं, स्ट्रक हैं आप दोनों इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, ये एक ही एरीज की इतनी लंबी रीडिंग हो गई, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।